हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर वुमन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सब लोगों के साथ पेस्ट कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग जब नए घर में मूविंग हुए थे और उस समय तो हमें कोई कॉकरोच या फिर कोई भी तरह का पेस्ट नहीं दिख रहा था घर में, और हम जब गाँव गए थे 2-2.5 महीने के लिए करीब हमारा घर क्लोज था, और गांव से आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को थोड़ा से कॉकरोचेस दिखने लगे, जैसे कि वेट एरियाज़ होते हैं, बाथरूम का डक्ट हो उसमें से, या फिर यूटिलिटी में जहां पर हम लोग डस्टबिन रखे हुए हैं उस एरिया में, इस सब एरिया में हम लोगों को थोड़े थोड़े कॉकरोचेस दिखने लगे, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं घर का। तो जिस दिन हम लोग पेस्ट कंट्रोल कराने वाले थे उसके 1 नाइट पहले ही हमने सारा किचन का सामान जो है एक एक करके खाली करके अपना हॉल में लगा दिया। ये बहुत ही मेहनत का काम है, बट अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो जिसको पेस्ट कंट्रोल के लिए बोला है उन्हीं को बोल सकते हो कि सारा कबर्ड का वो लोग निकाल के वापस लगा दे, बट कुछ भी अगर ब्रेकेजेस होता है एंड ऑल तो उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किचन का सारा सामान या ड्रॉवर्स का सारा ही सामान बाहर निकाले, बट हम लोगों ने सोचा कि डीप क्लीनिंग बहुत दिन से नहीं हुआ है तो काइंड ऑफ डीप क्लीनिंग भी हो जाएगा, इसीलिए हमने किचन का सारा जो सामान है हर एक ड्रॉवर का सारा सामान हमने बाहर रख दिया, क्योंकि स्पेशली किचन के सिंक के नीचे और यूटिलिटी के सिंक के नीचे बहुत सारे हमें कॉकरोचेस दिखे थे, तो हमने सोचा कि सारा ही एट अ टाइम डीप क्लीनिंग भी करके ले तो अच्छा ही हो जाएगा। तो जब हमने सारा किचन पूरा खाली कर दिया तब नेक्स्ट डे हमने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लिया, तो वो अपना कुछ केमिकल और ऐसा कुछ मशीन लाते हैं जिसके अंदर सारा केमिकल डाल के और थोड़ा सा पानी भी डाल के वो लोग स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, और अगर सारी कबर्ड्स एंड किचन के आइटम्स नहीं है किचन ट्रॉलीज में तो बहुत जल्दी से ये ख़त्म हो जाता है प्रोसेस। और जैसे वो लोग स्प्रे करने लगे सारे आइटम, तो वहाँ पर तो किचन में ज़्यादा कुछ नहीं थे पेस्ट, यानी कि कॉकरोच या फिर दूसरे कोई कीड़े वगैरह नहीं थे, बट सिंक के नीचे और जैसे मैंने बताया था पहले यूटिलिटी एरिया में, स्पेशली यूटिलिटी में जहाँ पे हम डस्टबिन रखते हैं उस एरिया में एंड सिंक के नीचे स्पेशली, वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस थे। उन्होंने जैसे स्प्रे करना शुरू किया वो इमीडिएटली वहाँ पे कॉकरोचेस ऑन द स्पॉट डेड हुए, तो उनको देख के हमें लगा कि कितने सारे थे यहाँ पे। एक्चुअली घर का क्लीनिंग करना हमेशा लिमिटेशन है, क्योंकि वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर ये सब हम डे टू डे रूटीन में या इवन वंस इन अ वाइल इनको निकाल के क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हैवी चीज़ें हैं, तो उनके पीछे भी बहुत सारे कॉकरोचेस थे, तो ये क्लीनिंग या फिर ये पेस्ट कंट्रोल का स्प्रे मारने से वो थोड़े बाहर आ गए और वो वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट मर गए। जैसे वो लिक्विड स्प्रे करना ख़त्म हो गया उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस, स्पेशली यूटिलिटी एरिया में बहुत सारे कॉकरोचेस डेड हो गए हैं, और वो ऐसा नहीं कि उधर जहाँ रहते हैं वहीं पे मरेंगे, वो थोड़ा बाहर आके मर जाते हैं। स्प्रे करना जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद भी वो लोग एक सॉल्यूशन डालते हैं हर एक वार्डरोब में, हर एक ड्रॉवर्स में, जिसकी वजह से कॉकरोच या फिर पेस्ट फ्यूचर में थोड़ा महीनों तक नहीं आएंगे वापस, और महीनों तक वो वहाँ पे बनेंगे नहीं या फिर रहेंगे नहीं, अगर है भी तो वो बाहर आके मर जाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो ड्रॉपर वो लगा रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेशली किचन शेल्फ्स एंड किचन के ड्रॉअर्स के अंदर मैं एक शीट डालती हूँ, तो उस शीट को मैं धो के क्लीन करके वापस डाल रही थी।
जिससे हमारा पेस्ट कंट्रोल ख़त्म हो गया किचन का। उसके बाद वार्डरोब, हर एक वार्डरोब एंड हर एक ड्रॉवर्स को हमने ओपन रखा था 2-3 घंटे के लिए। मिनिमम 3 से 4 घंटे तो हमें ये ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो केमिकल का स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो उसके बाद जब वापस सारे किचन के सामान सेट करने थे, तो मैंने जेंटली सारे ड्रॉवर्स एंड वार्डरोब्स को थोड़ा सा किचन क्लीनर लाइजॉल स्प्रे लगा के सबको क्लीन करके लिया, पोंछ के लिया सारा एक क्लॉथ से। तो वंस इन अ वाइल जब आप लोग बहुत लंबे समय तक घर से बाहर जा रहे हो और घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उस समय हो सकता है कि कॉकरोच और अदर पेस्ट हो जाए घर में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ता है। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर और वंस इन अ 2 ईयर इतना तो करना ही पड़ता है। जैसे सारे ड्रॉवर्स एंड सारे शेल्फ्स क्लीन हो गए, उसके बाद मैंने सारे वापस लगा दिए। जो भी ग्रॉसरीज थे, जो भी किचन के डिशेस थे, ये सारे चीज़ों को मैंने वापस ऑर्गेनाइज़ कर दिया अपने अपने जगह पे। बॉक्सेस एंड किचन यूटेंसिल्स, ये सारा मैंने अपने अपने प्लेस में प्लेस कर दिया, और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मदद किया इस बार। होप आज के ये वीडियो से आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिला हो, और ऐसे ही मेरे चैनल में वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज बहुत थकान हो गया, एक ही दिन में सारा सामान बाहर निकाल के और पेस्ट कंट्रोल पूरा करा के, और उसके बाद सारा ड्रॉवर्स और हर एक चीज को क्लीन करके वापस सेट कर दिया आज। बट बहुत अच्छा लग रहा है क्लीन होने के बाद सारा। अब कायरा को स्कूल से पिक करना है, तो अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।